खबर जर्मनी से भी आ रही है। यूक्रेन से युद्ध के बीच जर्मनी रूस से बढ़ा रहा है कारोबार, ये अपडेट भी सामने आई है। सर्दियों में रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा जर्मनी, ये खबर भी सामने आई है। रूसी गैस कंपनी गाजप्रोम से समझौता करेगा जर्मनी, ये एक बड़ी खबर है जिसे झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन से रूस का युद्ध जारी है। इस बीच जर्मनी की एक तरीके से रूस से इस कारोबार को भी एक तौर पर झटके के तौर पर देखा जा सकता है। तो खबर ये आ रही है कि रूस से गैस खरीदेगा जर्मनी, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से बिग बॉल पर आपके सामने रख देते हैं। ये जो बड़ी खबर है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, इस पर भी मेहमानों से बात करेंगे। यूक्रेन से युद्ध के बीच जर्मनी रूस से बढ़ा रहा है व्यापार, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सर्दियों में रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा जर्मनी, ये एक बड़ी खबर है। रूसी गैस कंपनी गाजप्रोम से जर्मनी का समझौता होगा सर्दियों के लिए। इसके अलावा अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि नाटो के बैन से बचने के लिए गाजप्रोम की एक ब्रांच और जर्मन कंपनी में समझौता। और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जर्मनी को बड़े पैमाने पर एलएनजी की घरेलू जरूरत है, तो ऐसे में रूस से गैस खरीदने की ये जर्मनी की पहल है। नेचुरल गैस के लिए रूस पर निर्भर है कई सारे यूरोपीय देश, और युद्ध की शुरुआत में किस तरीके से संकट गहराया था यूरोप में ये हम सभी ने देखा था। इस बार इस तरीके की स्थिति फिर से सर्दियों में ना बने, ऐसे में जर्मनी ने इसके लिए तैयारी पहले से ही कर ली है। के सिन्हा सर, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? एक तरफ पोलैंड जो है वो भी अपने कदम रूस की तरफ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ जर्मनी भी। देखिए प्रतिमा, ये तो शुरुआत है, अभी आप तो देख रही हैं, आने दीजिए सर्दी का महीना और अगले आप समर तक देखेंगे। देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, तो उस समय कितनी लोगों ने खुशियां मनाई थी। एक पाइपलाइन है जो रशिया से जाता है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 और जर्मनी के लिए, और गैजप्रोम ही वो कंपनी है जो इसको सारी चीज करती थी, और सब लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय करके बड़ा कि हमने तो रशिया को हरा ही दिया, उसके पूरे एनर्जी वॉर को खत्म कर दिया। और आज देखिए 19 महीने के बाद किस तरह से विक्टोरियस हुआ जर्मनी को सप्लाई के लिए एलएनजी। अमेरिका ने बोला था कि बस बड़ी मत करो, नॉर्वे से आ जाएगी, हम दे देंगे आपको। क्या हुआ, एक सर्दी तो काट ली दूसरे सर्दी के लिए, और आज जो है ओलाफ तो ये आपको बताएंगे बोरा साहब किस तरह से अपना, क्योंकि इनको कहते हैं ना एक लोटा होता है जिसकी पेंदी नहीं होती, बिना पेंदी के लोटा है ये लोग। ये लोग अपने अपने लिए, आज तो देखिए पोलैंड सबसे फ्रंटलाइन स्टेट था ना, ये सबसे ज्यादा उछल रहा था, ये बोलते थे कि पोलैंड होगा नेटो का एक लीडर, जो सदन लीडर होगा। आप उसको देखिए, जो आपने देखिए के सिन्हा सर, आपने अभी अभी कहा ना कि ये लोग बिन पेंदी के लोटे हैं। आप देखिए खबर भी कुछ ऐसी ही आ रही है निकल के सामने। हमने बताया अपने दर्शकों को किस तरीके से जर्मनी जो है वो रूस से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेने की, नेचुरल गैस लेने की तैयारी कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि जर्मनी यूक्रेन को 50 सर्फेस ड्रोन देगा, यानी हथियार देने वाला है यूक्रेन को। लेकिन यानी एक तरीके से एक हाथ ले एक हाथ दे, दोनों तरफ से डील पानी चल रहा है। यहाँ पर जमीन और समंदर में अटैक करने में सक्षम है सर्फेस ड्रोन, इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन को 400 मिलियन यूरो का पैकेज भी देगा जर्मनी, तो जर्मन रक्षा मंत्रालय ने इस बात का बड़ा ऐलान किया है। तो किसी को भी नाराज करता हुआ यहाँ पर जर्मनी नजर नहीं आ रहा है, अपने लिए भी तैयारी कर रहा है सर्दियों की, लेकिन यूक्रेन को भी हर संभव मदद की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डोनेस्क में यूक्रेन का पलटवार, रूसी मैकेनाइज ब्रिगेड पर हमला, रूस का नोना एस मोर्टार तबाह हो गया है। इस पे तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें डोनेस्क से सामने आई है जहां रूसी मैकेनाइज ब्रिगेड पर हमला हुआ है।